छत्तीसगढ़ लालकटे माओवादी नरसंहार भयंकर और बीभत्स घटना। छत्तीसगढ़ सुकमा अंतर्गत बीजापुर सुरक्षाकर्मी और नक्सल होता गुड़िकाण्ड में 22 जन सुरक्षाकर्मी शहीद होते गत काली दुईट मृतदेह मिली बेले आज 20 मृतदेह मिली एवं भी जड़े जवान निखोज। अच्छा से हीपरी एक गुड़िकाण्ड में आहत होती 31 जवान एम सात जन अवस्था गुरुतर रही। सुकमारे होता गुड़िकाण्ड घटनास्थल में प्रथम पहुंची आम प्रतिनिधि सतीश यार किसी समय पर पहुंची पुलिस तेज किसी समय तेज पुलिस पहुंची मृतदेह को उद्धार करी। एपटे घटनार समीक्षा पर केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह आसाम प्रचार को कांछाट कर दिल्ली फेरुंट आज आसाम शाहनोट राी तेज गोटे ही राली करी दिल्ली फेरुंच शाह माओवादी नरसंहार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान दुख प्रकाश कर। भयंकर बर्बर कांड घटी स्थल में जीवन को बाजी लगाई गुड़िकाण्ड स्थल गांव टेकेलगुड़ा पहुंची आम प्रतिनिधि सतीश आसतु देखा सेपरी सेठाकर दृश्य। मैं टेकलगुड़ा में खड़ा हूं जहां पर कल सीआरपीएफ और डीआरजी जवानों के साथ में माओवादियों की मुठभेड़ हुई थी जिसमें 20 जवान शहीद बता रहे हैं जिनके शव जो है टेकलगुड़ा गांव में रखे हुए हैं। एक जगह जो है करीब 7 शहीद जवानों के शव रखे हुए थे उसके बाद जो है एक जो है शहीद जवान का शव जो है यहाँ पर रखा हुआ है। ये मुठभेड़ के दौरान जो है गोली लगी है पीठ में गोली लगी है जिसके बाद जो है जवान की मौके पर ही मौत हो गई है। और ये जो है कल करीब 10 से 11 बजे घटना बताई जा रही है। ठीक 24 घंटा बीत जाने के बाद भी फोर्स अभी यहां तक नहीं पहुंच चुकी है और सबसे पहले न्यूज 18 की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और यहां से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रही है। सतीश चांडक, न्यूज 18, सुकमा। घटना संपर्क में निज प्रतिक्रिया रखी सीआरपीएफ डीजी से कौन कहते आसंतु सुनिबा। हम लोग मिलकर आए जिसमें 7 है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जिसमें से 7 में से एक लोकल पुलिस छत्तीसगढ़ पुलिस के हैं, 6 हमारे हैं और उन 6 में से 2 ऑफिसर यहीं पे हैं। तो उन ऑफिसर्स के तहत ये पता चला कि जिस जगह पर गए थे लोग ऑपरेशन करने जूनागुड़म वहां से ऑपरेशन करके लौटती हुई पार्टी के ऊपर में इन्होंने अपना जो कंट्री मेड एक यूबीजीएल राउंड्स बहुत सारे बनाए हुए हैं इन्होंने उससे फायरिंग चालू की। तो जिस एक फॉर्मेशन से हमारी सारी टीमें वापस आ रही थी उस टीम पर जब एकाएक बहुत जोरों से यूबीजीएल के राउंड्स आने लगे तो थोड़ा सा ये लोग हतप्रभ हुए लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने एचई ग्रेनेड्स लॉन्च करके उनको कंट्रोल किया, उनके एम्बुश को तोड़ा, तोड़ के आगे बढ़े लेकिन उस तोड़ने के दौरान हमारे कम से कम 4-5 जवानों को इंजुरी हुई। जब इंजुरी हुई तो उसके बाद बॉक्स फॉर्मेशन में उन 3 तरफ से बॉक्स बना के सामने की तरफ 2 पार्टियां चलती हुई और पीछे की तरफ से घेर के इंजर्ड को बीच में रख के आगे बढ़ने लगे लोग। इस बीच में वहां के गांव के पास के जन मिलिशिया के लोग जो हैं वो मिलकर के वो एक तरह से हतप्रभ करने के लिए बहुत कोशिश की उन्होंने और फिर से एक एम्बुश लगाने की कोशिश की और ऐसा लगा कि कहीं से दूर से किसी एक पर्टिकुलर जगह से उन्होंने कोई एलएमजी का एक माउंट कर रखी थी जिससे वो बहुत जोरों से बर्स्ट फायर वगैरह चालू किया उन्होंने। उसके दौरान में फिर अपने जवान आगे बढ़ते हुए और उसको तोड़ते हुए अपने सारे जवानों को जितने संभव थे उनको लेके आए। बाद में जब पहुंचे हैं तो उस वक्त तक हम लोगों ने अपनी और सीआरपी की जो आसपास की जो जीडी बटालियंस थी उनको भी मुस्तैद करा दिया था तो आगे जाकर के इनको साथ लेके वापस आ गए। वापस आने के बाद में जब सबका मिलान होने लगा कि कितने लोग कहां पर हैं तो ये पाया गया कि करीब 21 जवान जिसमें से 8 डीआरजी के, 6 एसटीएफ के और 7 कोबरा के जवान नहीं मिल रहे हैं। तो तब से वही 21 जवानों की मिसिंग चल रही है और आज अभी जब जैसा कि आपको साहब ने बताया कि 20 जवानों की मॉर्टल रिमेन्स मिल गए हैं, 2 के तो कल साथी ले आए थे इंजर्ड थे और बाकी जितने इंजर्ड थे टोटल 31 उसमें से 16 सीआरपी के हैं, उन 16 में से 7 यहां पे भर्ती हैं, सभी का इलाज ठीक से चल रहा है। वही देखने में गया था, सबसे मिलकर भी आया हूं, 2 का ऑपरेशन हो रहा है उनसे नहीं मिल पाया हूं, बाकी 5 लोगों से मिलकर भी आया हूं और अदर माइनर इंजरीज के साथ बाकी जवान बीजापुर में भर्ती हैं। उसमें से कोई भी ऐसी हालत में नहीं है कि किसी की लाइफ थ्रेटनिंग हो, सब खतरे से बाहर हैं। तो ये आज की परिस्थिति है।